हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डे फूडी। आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई। बहुत लोग नान खटाई को बिस्किट भी बोलते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलो देख लेते हैं हमें नान खटाई बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आधा कप घी, इसकी जगह आप बटर या डालडा का यूज कर सकते हैं। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पिसी हुई चीनी, एक कप मैदा, एक बड़ा चम्मच सूजी, एक चौथाई कप बेसन, एक चौथाई छोटे चम्मच इलायची पाउडर, एक चौथाई छोटे चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़े से बादाम। डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट का यूज कर सकते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें मैदा डाल देंगे, बेसन डाल देंगे, सूजी डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सर रेडी हो गया है, तो एक और बाउल लेंगे, हम घी डालेंगे, फिर शुगर पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसको हैंड मिक्सर या फोक की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। एकदम बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर को इस पेस्ट में डाल देंगे। इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे हाथों से एक आटे की तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा डो तैयार है। अगर आपको डो टाइट लगे तो थोड़ा सा घी या दूध डाल सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और नमक डाल देंगे। चारों तरफ फैला देंगे। आपको हमारे नमक का कलर चेंज लग रहा होगा क्योंकि इसे मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ। आप भी इसे कई बार यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टैंड हो तो इसे स्टैंड का यूज कर सकते हैं, वरना आप कटोरी भी यूज कर सकते हैं। कटोरी को इस तरह रखना है। अब इसे 7 से 8 मिनट तक ढककर प्रीहीट करेंगे। तब तक हम नान खटाई रेडी कर लेते हैं। हम नान खटाई को इस प्लेट में बनाने वाले हैं, तो हम इसे घी से ग्रीस कर लेते हैं जिससे कि नान खटाई आसानी से निकल आती है। आप प्लेट के अलावा कोई भी प्लेन बर्तन का यूज कर सकते हैं। लेंगे और इसे दोनों हाथों से गोल गोल बना लेंगे। नान खटाई आप बड़ी या छोटी बना सकते हैं। इसको आप ज़्यादा बड़ी भी ना बनाएं क्योंकि फूलने के बाद ये और बड़ी हो जाती है। हम इसे गोल गोल बनाएंगे और दोनों हाथों की सहायता से थोड़ा सा दबा देंगे और इस पर एक बादाम भी रख देंगे।
इसी तरह हम सारी नान कटाई बना लेंगे। इन्हें थोड़ा दूर दूर रखना है वरना ये फूलने के बाद चिपक जाती है। हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो गई होगी तो हम प्लेट को कटोरी के ऊपर सावधानी से रख देंगे। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। तो हम कढ़ाई को ढक देंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक बेक करना है और इसे बीच बीच में आप चेक करते रहें। अब हम नान कटाई को चेक कर लेते हैं। इसे बहुत ही सावधानी से खोलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नान कटाई फूलना स्टार्ट हो गई है। अब इसे थोड़ा सा और बेक करेंगे। अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी नान कटाई बहुत ही अच्छी सी गई है। ये ब्राउन भी हो गई है और अच्छे से फूल भी गई है। तो हम बहुत ही सावधानी से इसे बाहर निकाल लेंगे। नान कटाई को ठंडा होने के बाद ही निकालें, क्योंकि अगर आप गर्म निकाल लेंगे तो ये टूट जाएंगे। इसी तरह आप सारी नान कटाई बना लें। नान कटाई अब ठंडी हो गई है तो फोक की सहायता से इसे निकाल लेंगे। ये ठंडे होने के बाद बहुत ही आसानी से निकल आती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी नान कटाई बहुत ही अच्छी सीखी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स दे रही होते हैं कि आपकी नान कटाई कैसी बनी है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।